बटन क्लास, बटन क्लास इट इज अ कंपोनेंट दैट इज अ लेबल एंड कैन रेस्पॉन्ड विद व्हेन प्रेस्ड. ओके, तो बटन एक बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है जो कि जनरली प्रोग्रामिंग में काम में आता है, जीयूआई प्रोग्रामिंग में. तो बटन क्या है, एक विजुअल फॉर्म में रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखाई देता है और जब भी उसे प्रेस किया जाता है बाय क्लिकिंग फ्रॉम द यूजर तो वो रेस्पॉन्ड करता है या कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होता है. ओके, वी कैन से इट विल रेस्पॉन्ड ऑन द इंटरेक्शन विद द यूजर. ओके, सो देयर आर टू बेसिक कंस्ट्रक्ट, वी कैन से दो टाइप से आप बटन क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट है विदाउट एनी लेबल बाय सिंपली यूजिंग बटन कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर. एंड नेक्स्ट वन इज विद कैप्शन. ओके, तो इस केस में क्या किया जाता है, यहाँ पर है ना, इस कंस्ट्रक्टर में पर्टिकुलर नेम्ड बटन जब आप चाहते हैं विद कैप्शन, वो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पास की जाती है और आपके पर्टिकुलरली वो बटन क्रिएट होगा विद कैप्शन. ओके, तो किस तरीके से बटन क्रिएट करना होता है, बेसिकली तीन स्टेप है जब भी आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को यूज करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट को यूज करना है तो उसे डिक्लेयर करना होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल बटन को अगर बात करें, बटन को यूज करना है तो बटन टाइप का ही आपको क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर करना होगा, फॉर एग्जाम्पल बटन बी. तो ये डिक्लेरेशन हो गया कि एक बी है वो क्या है, बेसिकली बटन टाइप का है, बेसिकली बटन कैटेगरी का है. सेकंड आपको क्या करना होगा, उसे क्रिएट करना होगा, क्रिएट दैट इज डिफाइन करना होगा. तो जब भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पर बटन क्लास का भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप बटन फर्स्ट कंस्ट्रक्टर फॉर्म आप यूज करें विदाउट एनी कैप्शन, या आप सेकंड कंस्ट्रक्टर फॉर्म यूज करना चाहते हैं विद नेम बटन अगर आप चाहते हैं, कैप्शन बटन अगर चाहते हैं, तो उस केस में यहाँ पर आप उसका नेम पास कर सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में इस तरीके से. ओके, थर्ड स्टेप है फाइनली मैकिंग कंपोनेंट. ओके, और वी कैन से मैक कंपोनेंट. ओके, उसे कंपोनेंट बनाना, दैट इज एडिंग एड दैट कंपोनेंट इन टू कंटेनर. सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि एक आपके पास फ्रेम है जिसकी मदद से विंडो बनाई है, तो फ्रेम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. ओके, एक्सटेंड करके या फिर क्या करके उसका ऑब्जेक्ट बना के देन क्या करेंगे, उसी कोड में क्या करना होगा, बटन डिक्लेयर करना होगा, या एक ही स्टेटमेंट में आप बटन बी इक्वल्स टू न्यू बटन इस तरीके से आप एक बटन क्रिएट कर लेंगे. और उसके बाद फाइनली क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में उस कंपोनेंट को कंटेनर में ऐड करना होगा. तो कंपोनेंट इस बार आपके लिए क्या है, बटन है, और कंटेनर आपके लिए क्या है, फ्रेम है. तो लेट एग्जांपल कि जब ऐड करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके से होगा, ये बटन है आपके पास फॉर एग्जांपल सबमिट बटन. ओके, सबमिट बटन यहाँ पर है. तो ऐड करने के लिए आपके पास थर्ड लेवल है. ओके, दैट इज ऐड, एंड यहाँ पर आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट पास करना होगा. तो कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट क्या है आपके लिए, बी. ओके, तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट होगा, फ्रेम का कोड लिखेंगे और उसके बाद क्या होगा, बटन डिक्लेरेशन होगा, वो क्रिएट किया जाएगा, और फाइनली उसी कोड में क्या होगा, एक ऐड स्टेटमेंट आएगा जिसमें कि उस ऑब्जेक्ट को आप पास करेंगे जिससे वो उस पर्टिकुलर कंटेनर में ऐड हो जाएगा. सो देर आर सम यूजफुल मेथड्स फॉर बटन क्लास. फर्स्ट इज सेट लेबल, जब क्या करना हो एक्सटर्नली, कोई पर्टिकुलर आपको कैप्शन बदलना है, आपको अप्लाई करना है, तो उस केस में सेट लेबल. और जब आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर का आपको कैप्शन गेट करना है, तो उस केस में गेट लेबल मेथड का यूज किया जाता है. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल प्रोग्राम हाउ टू यूज बटन इन फ्रेम. तो दिस इज प्रोग्राम एग्जांपल. फर्स्ट क्या करना होगा, फ्रेम आपको क्रिएट करना होगा. तो दो तरीके हैं, एक्सटेंड करके बना सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बना के बना सकते हैं. ओके, सो मैंने यहाँ पर एक्सटेंड करके मैंने फ्रेम क्रिएट किया है. ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, AWT इंपोर्ट करना होगा क्योंकि सारी क्लासेस इसमें अवेलेबल हैं, AWT पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद आपने क्लास क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होता है क्योंकि फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद उसी के अंदर क्या करेंगे, उस बटन को डिफाइन करेंगे, डिफाइन बाहर भी कर सकते हैं इसे। तो फाइनली बटन क्रिएट कर लेना है, उसके बाद जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फ्रेम की वो अप्लाई करेंगे, सेट टाइटल, सेट साइज, लोकेशन, व्हाटएवर, एंड लास्ट वन स्टेप ओके फाइनली क्या करना होगा, उस कंपोनेंट को फ्रेम कंटेनर में ऐड करेंगे बाय यूजिंग ऐड मेथड। तो ऐड मेथड का फॉर्मेट क्या है, सिंपली मेथड नेम ऐड कंपोनेंट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट। इट मींस वी कैन ऐड एनी ऑफ द कंपोनेंट इनटू एनी ऑफ द कंटेनर बाय यूजिंग ऐड मेथड ओके। देन फाइनली क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फ्रेम को मुझे कॉल करना है, क्रिएट होना चाहिए, तो उसके लिए इसे एक तरीके से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो फाइनली मैंने क्या किया, मैन मेथड क्रिएट किया और उसी के अंदर मैंने क्या किया, जो पर्टिकुलर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट। यहाँ से क्या होगा, फ्रेम क्रिएशन होगा, फ्रेम क्रिएट होगा और फ्रेम क्रिएट होने के साथ ही क्या होगा, ये कस्टमर कॉल होगा और बटन भी डिफाइन हो जाएगा और उसके अंदर वो पर्टिकुलर बटन ऐड हो जाएगा और आपके सामने आउटपुट में वो पर्टिकुलर बटन नजर आएगा ओके। सो मैं आपको बताता हूँ बाय प्रैक्टिकली कि किस तरीके से एक फ्रेम क्रिएट होता है, उसके अंदर वो बटन ऐड होगा और किस तरीके से वो आउटपुट में शो होगा। तो फर्स्ट फ्रेम किस तरीके से क्रिएट होता है, तो उसके लिए मैंने पहले ही प्रोग्राम बना रखा है बेसिकली। सो फर्स्ट वे जिससे कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन से करते हैं, फ्रेम फ्रेम बाय ऑब्जेक्ट क्रिएशन, फ्रेम बाय ऑब्जेक्ट क्रिएशन ओके। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल फ्रेम बाय ऑब्जेक्ट क्रिएशन बाय ऑब्जेक्ट क्रिएशन मेथड ओके। दिस इज फर्स्ट वन स्टेप। सो आप देख रहे हैं कि ये क्लास बनाया है, उसके बाद डायरेक्टली क्या किया गया है, मैन मेथड लिखा और उसके बाद देन क्या किया, फ्रेम क्लास का क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है सिंपली ओके। आप फ्रेम क्लास का दूसरे तरीके से भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके का कंस्ट्रक्टर फॉर्म भी आप काम में ले सकते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर आप टाइटल भी पास कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, विथ टाइटल्ड फ्रेम क्या होगा, आपके सामने आउटपुट पर डिस्प्ले होगा। देन क्या करना होगा, उस ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, उसकी टाइटल, उसकी साइज, लोकेशन, बैकग्राउंड कलर, कर्सर, देन फाइनल विजिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर क्यू कर सकते हैं ओके। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट आता है या किस तरीके का इसका आउटपुट होता है ओके। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं ओके। आपके सामने आउटपुट नजर आ रहा है ठीक है, आउटपुट शो हुआ ओके। सो एक फ्रेम सिंपली डिस्प्ले हुआ है जिसमें ब्लू कलर है और उसका पर्टिकुलर साइज है 500 x 500। और आपने देखा होगा कि जब ये फ्रेम डिस्प्ले हुआ था तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर की तरफ था। सो जो सेट लोकेशन मेथड है उसी के थ्रू क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर जो इनिशियल इसका पॉइंट था, डिस्प्ले पॉइंट था, वो क्या था, लेफ्ट टॉप 2020 लोकेशन पे था। क्लियर है। दूसरी बात, ये फ्रेम ऑटो क्लोज नहीं होगी क्योंकि ये AWT फ्रेम है, इसे अगर ऑटो क्लोज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं क्लोज पे, फिर भी ये क्लोज नहीं हो रहा है क्योंकि ये AWT फ्रेम है, और अगर इसे क्लोज करना है कि ये पर्टिकुलर क्लोज पे या क्लोज इवेंट हो, तो उसके लिए इसमें होल्ड करना होता है ओके। सो अभी ये क्या की जाएगी, मिनिमाइज कर देंगे इसे, और अगर इसे बंद करना है, क्लोज करना है, तो टास्क मैनेजर में जाके क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर को क्लोज करना होगा, इस आउटपुट विंडो को बंद करना होगा ठीक है। नेक्स्ट इज बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम ओके, बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास। तो सो दिस इज नेक्स्ट वन वे ओके। तो इस केस में क्या कर रहे हैं, अगेन सेम इंपोर्ट कर रहे हैं AWT पैकेज, देन क्लास क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया है ओके।
फ्रेम क्लास को ही क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, तो चेंज आप देख रहे हैं, सो ये इंपॉर्टेंट वे है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यही वे जनरली काम में ले जाता है, क्योंकि जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज करेंगे, फ्रेम क्रिएट करेंगे, तो उसे अदर प्लेसेस पे या दूसरे क्लासेस में उसे यूज नहीं कर पाएंगे, अदर प्लेसेस से उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई फ्रेम या आपने एक्सटेंड करके फिर, या आपकी जो पर्टिकुलर क्लास है उसमें एक्सटेंड करके फिर आपने क्रिएट किया है, तो जहां पर भी उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहां पर वो क्रिएट हो जाएगी, और वहां से उस ऑब्जेक्ट से उसे आप कंट्रोल भी या एक्सेस भी कर पाएंगे, या उसकी प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस भी कर पाएंगे। सो क्या करना होगा, फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया जैसा कि कल आपको बताया था, और उसके बाद क्या करेंगे, देन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा इसके अंदर डिफॉल्ट, देन उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, टाइटल, क्योंकि आपने फ्रेम क्लास को एक्सटेंड कर लिया तो उसकी सारी मेथड्स क्या है, बिना ऑब्जेक्ट के क्या कर पा रहे हैं आप, डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं बाय नेम। सो सिंपली जिस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन में सारी मेथड्स को यूज किया था, यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट के क्या कर पाएंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। ओके, देन फाइनली क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वहां पर क्या हो जाएगा, वो फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने इसी क्लास के अंदर मेन मेथड क्रिएट किया है और यहाँ पर इसी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सो फाइनली होगा क्या, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर, ये। तो जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसमें ये सारी मेथड्स एग्जीक्यूट होगी और आपके सामने फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगी। ये फ्रेम भी क्या होगी, ऑटो क्लोज नहीं होगी। ओके, ऑटो क्लोज नहीं होती है। ऑटो क्लोज अगर आपको करना है तो उस केस में क्या करना होता है, उसमें कोड करना होता है, और जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है एक फ्रेम डिस्प्ले हुआ है जिसमें कलर ग्रीन है और उसका लोकेशन पर्टिकुलरली थोड़ा सा लैपटॉप, अगर मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ पर इसका लैपटॉप है, तो अपन देखते हैं इसकी वैल्यूज क्या दे रखी थी मैंने, 200,200। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन से ये क्या होना स्टार्ट हुआ है, डिस्प्ले होना स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज सेकेंड वे कि किस तरीके से फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करके आप क्या कर सकते हैं, फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा सभी को, समझ में आ रहा सभी को? हेलो, नेक्स्ट इज हाउ टू एड ए बटन इन टू दी फ्रेम। ओके, सो दिस इज थर्ड वन प्रोग्राम। किस तरीके से एक पर्टिकुलर बटन को या एक बटन कंपोनेंट को फ्रेम में ऐड किया जाता है, उसके लिए प्रोग्राम है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना होगा, फ्रेम क्लास आपको या फ्रेम क्लास को ही आपको एक्सटेंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रेम क्रिएट करना होगा। सो फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, ओके, और किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, एक्सटेंड करके। ओके, देन क्या कर रहे हैं, उसी के अंदर आपने बटन डिक्लेयर किया है और एक बटन ऑब्जेक्ट को आपने डिफाइन किया है, और वो कैप्शन बटन है जिसका नाम है प्रेस में, देन जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है फ्रेम की वो आपने अप्लाई की, देन फाइनली क्या किया, एड मेथड को यूज करते हुए एड, देन पास द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कंपोनेंट, मेक्स ए कंपोनेंट और एड कंपोनेंट टू द फ्रेम कंटेनर, देन फाइनली द विजिबिलिटी विल बी ट्रू। और देन क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वहां पर वो आपके सामने फ्रेम डिस्प्ले होगी और उसी के अंदर वो बटन आउटपुट में नजर आएगा। ओके, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे। ओके, सो कुछ अलग तरह का आउटपुट आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी की पूरी फ्रेम पर एक ही बटन है ना, पूरी फ्रेम जो उसका स्पेस है वो कवर हो गया है, वो बटन वहां पर डिस्प्ले हुआ है। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है, बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स लेआउट। ओके, क्योंकि जो फ्रेम का डिफॉल्ट लेआउट है वो होता है बॉर्डर, ओके, विद सेंटर कंस्ट्रेंट। तो जब एक ही कंपोनेंट है तो वो क्या हुआ है, बेसिकली पूरी फ्रेम पर वो डिस्प्ले हुआ है, पूरी एंटायर रीजन को कवर अप करते हुए। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में अपन अभी पढ़ते हैं, नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक अपन देखेंगे लेआउट मैनेजर, या हाउ टू अरेंज द सेवरल कंपोनेंट्स इनटू द पर्टिकुलर कंटेनर लाइक इन फ्रेम और इन पैनल और इन एप्लेट।